हेलो गेमर, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो अभी मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ घर के लिए। और जिन्होंने अभी इसका पहला एपिसोड नहीं देखा वो जाके देख लें, ताकि और भी मज़ा आएगा इस कहानी में आप लोगों को देखने में। जब आप पहला एपिसोड देख लोगे फिर दूसरा देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं फटाफट घर और देखते हैं भाई घर पहुंच के क्या होता है। तो यहाँ पे मेरी प्यारी सी गाय है, जो कि मैंने पहले एपिसोड में इसका दूध भी निकाला था। और ये मेरे काकी का घर है, ठीक है। और वो जहाँ पे ये देखो, ये बहुत जल्दी आ गया यार। ओ भाई, काकी का तो मटका फूट गया यार। ठीक है, तो काकी बता रही हैं कि मेरा मटका लेके जा रही थी घर को, वो फूट गया है और काकी शायद प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे काकी की हेल्प तो करना बनता है, तो मैं फटाफट इनकी हेल्प करता हूँ। तो पानी की इन्हें शायद की आवश्यकता होएगी, क्योंकि इनका मटका फूट गया है। तो अभी मुझे पानी भरना है, चल के इन्हें ले के चल के दे के आएंगे। ठीक है, तो फटाफट भाई नल चलाते हैं यार। ओ भाई, सच में रियल में ये नल चल भी रहा है, पानी दे रहा है भाई। ठीक है, तो भाई जिन लोगों को ये एपिसोड पसंद आ रहा है ना, तो वो फटाफट लाइक कर दो यार, और कमेंट करके बताओ कि आपको इसका दूसरा ये पार्ट जो अभी देख रहे हैं आप, ये कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट लेके। अरे यार, कोई तो हेल्प कर दो, ये झूला झूल रहा है साले। तू, ये शर्म नहीं आ रही है, तू झूला झूल रहा है। लौंडिया अकेले मेहनत कर रही है यार। लौंडिया क्या, मैं ही कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस घड़े में पानी डालना है भाई। ठीक है, ओके, डाल दिया। भर गया क्या? नहीं भरा यार, एक बार में ये भरने वाला नहीं है, तो मुझे लगता है कि कई बार चलना पड़ेगा ऐसे। तो ठीक है, मैं वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे कट कर दिया, ताकि लंबी ना हो वीडियो। तो सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा सा ही सीन दिखा दूँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ठीक है, यहाँ पर फटाफट मैंने भर लिया दोबारा से, और ले कर चलता हूँ मटका उठा के, और उस घड़े में भर के आएंगे। ठीक है, और ये बकरियों की, अरे यार ये तो भाई बकरी ने तो गजब ही कर दिया भाई। यहाँ पे जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, बकरियाँ जो बोल रही, वो बहुत ही प्यारा लगता है गाइस, बहुत ही मस्त लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं गांव वाँव में हैं, तो थोड़ा सा ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ठीक है, देखने में। तो चलिए हम दोबारा ट्राई करते हैं फटाफट, और चलते हैं लेके, और फिर आगे बकरी। अरे भाई, बकरी से तो बचना है यार, ये बकरी सही नहीं है भाई, ये हमें हर बार धक्का दे देती है। ठीक है, और ये सिर्फ गिराना ही चाह रही है। ठीक है, तो इससे बचना है। ठीक है, अभी तो हम लोग ऐसा बच के आ गए हैं, और चल के मटके में पानी फिर से डालते हैं भाई। इस घड़े के अंदर मटके का पानी डाल दे। ठीक है, ओके, तो ऐसे कई बार करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था अभी पीछे भी कि मैं ऐसे वीडियो थोड़ा सा कटआउट कर दिया है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मटके का सीन, और ये सीन मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, आना जाना तो दोबारा आपने देख ही लिया है। तो जल्दी जल्दी से मैं ऐसे भर दूँ पानी, और फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सामने जो है मेरी काकी बैठी हुई है। ओके, पानी अभी भर गया है, तो अभी क्या करना है यार मेरे को। ठीक है, तो चलते हैं काकी के पास, और यहाँ पे काकी कुछ बता रही है। ये बुढ़िया सी कौन है भाई? ठीक है, इनको शायद इनको लेने चलना है, तो अभी चलते हैं भाई लेके आएंगे जल्दी से जल्दी। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो मैंने फास्ट कर दी है, ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और आप लोग यार नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो हम जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं, ऐसे इसके पैर वैर बहुत फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, और हमारा एक साथी हमारा ऐसा है जो मेरे साथ ही रहता है, वो हमारा ये तोतू है। ये तोता हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो हम पहुंच गए गाइस, वो यही है, ये तो हाय कर रही, हाय हाय, हेलो हाय। ठीक है, पहुंच गए हम, और यहाँ पे मैं अभी सारी चीज़ें इनसे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं की बता रही हूँ, मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बोल रही है ऐसा ठेली से, ये पैदल नहीं जा सकती मेरे ख्याल से, या ठेली से मुझे उधर से काकी को लेके आना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही सीन है।
ठीक है, ठेली तो यही है। ठेली में ताला लगा है यार, ताला लगा है, चाबी मेरे को ढूंढना पड़ेगा भाई। तो फटाफट आ गए। ओ भाई ये ठेली वाला नहा रहा है भाई, जल्दी से नहा ले, मेरे को ना अभी तेरी ठेली चाहिए और मुझे ना। ओ भाई ये क्या भाई, कौवे महाराज तुम मेरी चाबी मतलब ठेली की चाबी क्यों लेके भग गए यार? तो यार दुश्मन निकल गए हमारे, और हमारे तोतू भाई साहब उसके पीछे लग चुके हैं। जल्दी से जल्दी तोतू भाई साहब पकड़ लो यार, चाबी लेके चलना है भाई वापसी। रे मिल जा कौवे साले हराम खोर, जल्दी से जल्दी दे दे चाबी, ये हमारा दुश्मन है, इसे अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी कौवे दिखते हैं भाई उन्हें हम दुश्मन ही मानेंगे, क्योंकि ऐसे समय पे यार ऐसा काम कर रहा है ये कौवा, सही नहीं है ना, बिल्कुल सही नहीं है भाई, ये बहुत ही गलत है। और यहाँ पे भाई क्या होता है, अबे कौवे के मुंह से चाबी छूट गई और नीचे झाड़ पे आके लटक गई थी, वो जो नीचे छोटे छोटे पौधे, और हमारे तोतू ने ले लिया वहाँ से चाबी और ले के निकल गया है भाई फटाफट करके। अब इधर आके देता भाई रिक्शे वाले भाई साहब को, ये नहा भी लिए थे ठीक है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, चलिए काका जल्दी से लेके चलिए हमें, ठीक है। तो ये अभी लेके आ चुके हैं और हम लोग चलते भाग के अपने काकी के पास और देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, कुछ तो होने वाला है। खुशी ओके, इन्होंने मेडिसिन दी है कुछ दवाई।